दो। मैं इसको तो एक टी शर्ट पहने धोती हम कहते यार कैसे पहने हो, सुना दिख रहा है अब धोती हम तो नया वाला है दो ठन था। अरे टी शर्ट खरीदना उचित नहीं है जी, ऐसे में इसी को पहने जैसे लगता है तब तो वो वाला कैसे थोड़ा सा ज्यादा ठंडा जैसे दिख रहा है, उसी को पहन रहा था हुआ पहले है कि नहीं। क्या लगा रहे हो क्या लगा रहे हो हैं दिखा पाउडर लगा रहे हो क्या ना। आज स्कूल जाने का तैयारी है सोराजून, आपका स्कूल तो बंद है ऑनलाइन परीक्षा है। लगा। मैं नहीं लगाता यार, लगा ना। मैं नहीं लगाता पाउडर ऑर्डर फेंक देना। हाँ नमस्कार, स्वागत है और एक वीडियो में। आज जो है 16 जून है, हम लोग स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे बच्चों को आना नहीं है लेकिन हम लोग को स्कूल का साफ सफाई और भर्ती प्रक्रिया ऐसे कुछ कुछ काम है तो उसको निपटाने के लिए जाते ही रहना है। तो हम लोग तैयार हो गए हैं आज सुबह सुबह। ओम भी अपना तैयार हो गया है, वो जो है अपना पीला वाला जो टी शर्ट को पहना था मैं देखा, अरे मैं तो उसको आज धोया हूँ फिर आज कैसे पहना है, बोल के बोल रहा था तो बोलता है कि नहीं पाओ टी शर्ट है करके और उसको पहना है और तैयार हो गया है, पाउडर भी लगा लिया है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ, मैं आज नहा के जस्ट आया, आके जो है पूजा किया, पूजा करने के बाद मेरे को एक बात याद आ गया, मैं तेल भी नहीं लगाया हूँ, आपको उस चीज को दिखाता हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, वीडियो जो है बड़ा मजेदार होने वाला है आज का दिनचर्या का। तो चालू करते हैं वीडियो को। ओम क्या बजा रहा है जी, क्या ओम जो है अपना बटन वटन को रखा है जो इलेक्ट्रिसिटी वाला और उसको टिक टाक कर रहा है। ओम को भी पूछेंगे जो मैं पूजा करता हूँ वो भगवान को पहले देखने जाते हैं। ओम आज नहाने के बाद मैं पूजा किया, पूजा करने के बाद जो है मुझे को एक बात याद आ गई, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये है। पहले फ्लैश लाइट को चालू कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा। आप जो देख सकते हैं ये जो है भगवान इनको पूजा करते हैं सुबह सुबह, और एक दिन क्या हुआ, ये जो माता है आप देख सकते हैं ये माता जी को मैं पहले पूजा करता था और बोलता था कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणम संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः करके ऐसे पूजा करता था। फिर एक दिन मुझे पता चला, सामने से गौर से देखा तो ये जो है माता दुर्गा जी नहीं माता लक्ष्मी माई का फोटो है। एक्चुअली बात ये है कि मैं इसको आपको सामने से दिखा रहा हूँ, इनके जो मुकुट में लगा हुआ है ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं जो नक्काशी किया गया है सुंदर सा, ये जो है वाकई में एक ये धान है। तो मैं ओम के मम्मी को पूछा कि ये कौन सा माता जी है, तो वो बोले कि मैं लक्ष्मी पूजा के समय लिए थे और ये लक्ष्मी जी करके और उनका प्रतीक के रूप में ये धान है। तो तब जाके मुझे पता चला कि वो जो है माँ दुर्गा नहीं वो लक्ष्मी माता का फोटो है करके। तो खैर पूजा तो भगवान को किसी भी रूप में कर सकते हैं, वो अपने भक्ति के ऊपर है शक्ति के ऊपर में है, उसमें फोटो का कोई महत्व नहीं है। तो मैं अब इनको जो है माँ दुर्गा के रूप में पूजा करता था, अब माँ लक्ष्मी के रूप में उनको जो है मंत्र को पढ़ता हूँ। तो ऐसा है पूजा करने का कोई आधार नहीं है, वो हमारे मन से है, भगवान को जिस रूप में चाहेंगे जिस रूप में मानेंगे उसको हम उसी रूप में ही पूजा कर सकते हैं। जैसे एक श्लोक है तमेव माताश्च पिता तमेव तमेव गुरु ब्रह्मा तमेव करके, तो ऐसे भगवान को हम जिस रूप में पूजेंगे भगवान उसी रूप में हमको दर्शन देते हैं। तो ये माँ लक्ष्मी माई दुर्गे माँ काली माँ और सरस्वती ये सब भगवान को हम लोग पूजा करते हैं। उसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे भगवान हैं जो हमारे कुल देवी हैं जो हमारे पूर्वजों के द्वारा पूजा किया जा रहा है उन सबको पूजते हैं हम। तो ये ऐसा है, तो आज का शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ चालू करते हैं। क्या कर रहे हो, क्या करोगे चश्मा, क्या करोगे कहाँ खोज रहे हो चश्मा को आज, क्या क्या कहाँ जा रहे हो क्या जी, चश्मा पहनोगे तो कहाँ रखे थे चश्मा, आपका वाला चश्मा शायद वहाँ है उधर है उधर देखने, चल उधर जा उधर देख लिए क्या, देख लिए आ मैं दिखाता हूँ वहाँ है ना, चलो उधर है जी, ये यहाँ है चश्मा 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 आपका चश्मा कहाँ है इसमें होगा बेटा, ये रे चश्मा पहन के दिखा, या 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 हीरो एक काम कर थोड़ा डांस करके बताओ तो यार, हीरो लोग डांस करके बताते हैं, चलो अच्छा से डांस करो, डिंग 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 ड
उधर से ट्राय करो क्योंकि इधर से सामने हो जा रहा है, थोड़ा सामने हो जा रहा है जी, उधर से डांस करो ना, इधर से सामने हो जाने से क्लियर नहीं आता। नहीं यार एक नंबर आ रहा है, चलो मैं शूट करता हूँ। 1 2 3 चश्मा लगा चश्मा लगा चश्मा लगा। ये कौन सा डांस है? डांस करने का डांस नहीं है। और एक कहाँ रखी? वहाँ रखे हो। अरे वो दोनों चश्मा को पहन के दिखाओ, चलो कैसे दिखोगे तुम? जोर से बोलना ना यार, धीरे से बोलने से आवाज थोड़ा ठीक से नहीं आता। वाह, और उसके ऊपर में और एक चश्मा लगाओ। उसके ऊपर में, अरे ऐसे नहीं, आगे तरफ झुकाओगे तब तो होगा, पीछे। ये कौन सा स्टाइल है? पीछे तरफ भी देखोगे क्या चश्मा में? हैं? पीछे तरफ भी देखोगे? पीछे तरफ भी लगाया तो ये मैं लगा ना आगे, ये तेरा उसमें लगा, बाल में लगा, आगे तरफ लगा, ऊपर साइड लगा, ऐसे लगाओ, लगाओ ना। हैं? चोट है? अच्छा इसमें लगाओ जी, ये कपाल में लगाओ। कपाल में उल्टा लगा रहे हो, ठीक से लगा। हाँ चलो डांस करो। इधर मुँह करो बेटा, हमारे यहाँ खाना बन चुका है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि खाना खा के जाऊं या रोटी खा के जाऊं। ये अपने यहाँ रोटी भी बना हुआ है, उसके बाद जो है सब्जी में क्या बना है देखते हैं। चना आलू है, दाल है, चावल है। तो यदि रोटी खा के जाता हूँ तो आके खाना खा लूँगा, और यदि खाना खाता हूँ तो रोटी बच जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ आज जो है ये चना आलू, सॉरी ये रोटी के साथ जो है चना आलू का मजा लिया जाए। ये चना आलू आप देख सकते हैं, मज़ेदार, लचकदार, मीठा मीठा, खट्टा खट्टा, नमकीन नमकीन, रसीला। वैसे तो हमारे यहाँ खाना और रोटी दोनों बन गया है, तो मैं रोटी खा के जा रहा हूँ, आके जो है खाना खाएंगे 12-1 बजे। ओम, खाएगा बेटा? नहीं मैं खा लिया। खा लिए क्या? दो ठीक खा लिया यार, मैं भी 2 ठन खा रहा हूँ, और एक जो है यदि 2 खाने के बाद यदि और खाने का मन लगेगा तो लेने जाऊंगा खाने के लिए, लेकिन फिलहाल मैं 2 रोटी खा रहा हूँ। आज हमारे यहाँ चना है और आलू है, आलू 2-4 लाया हूँ। क्या है, चना के साथ ऐसे करके खाओगे तो थोड़ा कड़ा कड़ा लगता है, लेकिन हाय लेकिन आलू के साथ खा लेकिन आलू के साथ जो रोटी को वैसे करके वो करने से थोड़ा अच्छा लगता है। कैसे वो है जैसे ओम खाएगा? लालच तो नहीं लग रहा है ना? अरे यार बहुत ठंडा हो गया, लेकिन आप लोग बहुत पहले खा लिए जैसे लग रहा है, गरम करके खाना था। कोई बात नहीं, ठंडा ठंडा ही खा लेते हैं, है कि नहीं? हम लोग ओम के मम्मी का स्कूल को आए हैं। ओम चल इधर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये स्कूल जो है लगभग 1 साल से बंद था, तो पानी गिरने के बाद जो है हरा हरा हो गया है, ये पूरा घास उग गया है, इसको खींचना पड़ेगा। ओम भी आ रहा है। ओम, ए ओम देख आम एक तो गिरा है। ओम देखो आम गिरा है, बीनोगे क्या? हैं अभी वाला नहीं है, कब का है? हवा, ये हवा करने के बाद जो है आम का पेड़ है बाड़ा के उस पार, इन लोग के स्कूल के उस पार है, तो आम फला है, इसमें आम जो है यहाँ पे गिरा है। ओ देखो दे आम देख, वो आम फला है ना, ये आम फला है। बच्चे लोग आने से क्या है पूरा हरा भरा नहीं रहता, क्योंकि बच्चे आते हैं यहाँ पे चलते रहते हैं तो लगभग साफ रहता है, लेकिन बच्चे तो आ नहीं रहे हैं, टीचर भी नहीं आ रहे हैं, स्कूल बंद ही है कोरोना की वजह से। तो ये जो है पूरा आप देख सकते हैं पूरा हरा भरा। इधर जो है स्कूल है, इधर से बाथरूम है, बाथरूम के बाद से उस पार जो है पूरा खाली जगह है, पूरा उधर हरा भरा खाली जगह, इधर देख सकते हैं आप। यहाँ तो जाना उचित नहीं है क्योंकि पूरा सांप वाप भी हो सकता है। ओम हमारा स्कूल चलेंगे क्या ग्रिल में? और आपके स्कूल कब जाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं? क्या करने जाऊंगा? कोरोना खत्म हो जाने से स्कूल नहीं जाओगे? ये क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? मूसर, ये हिंदी में मूसर बोलते हैं क्या भाई? हमारे यहाँ मूसरी बोलते हैं, मेरे को तो मालूम नहीं है बड़ा। इसको हम लोग खरीदे हैं और इसमें छोटे छोटे वो घुन हो गया था, तो इसको शायद ये सुखाई है इसको धूप में। और
इसको सूखने के बाद जो है घर में रखेंगे। ये जो बरसात आने के बाद जो है इसमें नमी आ गया था, इसको सुखाए हैं। उसके बाद मुसर दाल, ये मुसर दाल है, और ये अपना बादाम, इसको भी सुखाई है। इसमें क्या नमी आया है क्या पता नहीं, वही जाने की। भगा भगा भगा, सब खोद देते हैं ना, हैं? खोद कहाँ खोदा है, खोद देते हैं, जल्दी भगाओ। कहाँ जा रहे हो, चलो हाथ मुंह धो लेते हैं ना। का ये कौन सा है, ये डूमर का है ना, डूमर 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 जानते हो, डूमर खाए हो, डूमर 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 रे डूमर, खोलो खोलो जी, खोलो, क्या कर रहे हो, खोलो खोलो रे खोलो खोलो रे खोलो खोलो, कर रहे हो, उधर मत जोड़ो जी, इधर ला पानी, उसमें निकालो, इसमें डालो, बाल्टी में डालो, इसमें डालो जी, ए उसमें डालो, अरे पानी तो है, बंद कर बंद कर बंद कर जी, ऐसे हाथ मुंह धो लेंगे, पानी बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। इसमें लूंगा, इसमें हो गया, और खाओगे रस्सा, खाओगे, चलो भाई रस्सा खा ले, चटाई लेके आओ, वीडियो एडिट कर रहा था, यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, इससे जो है हमें नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो मिलते हैं कल किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।